नमस्ते बच्चों, आज आप चंद्रबिंदु की मात्रा सीखेंगे। चंद्रबिंदु की मात्रा लगाकर शब्दों को किस तरह पढ़ा जाता है, शब्दों का किस तरह उच्चारण किया जाता है, यह आप जानेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से आप जो मूल्य सीखेंगे, जो वैल्यू सीखेंगे डालमिया कोर प्रॉमिस के अंतर्गत, जो मूल्य सीखेंगे वह है विकास की मानसिकता। बच्चों, आज आप एक नया पाठ सीखेंगे, चंद्रबिंदु लगाकर शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका विकास होगा, यानी आप कुछ नया लिखना पढ़ना सीखेंगे। और आप में हरदम यही चाह होनी चाहिए कि हमें कुछ नया सीखना है और अपना विकास करना है। तो इस पाठ में भी आप कुछ नए शब्द लिखना और पढ़ना सीखोगे, और चंद्रबिंदु लगे शब्दों को कैसे उच्चारण किया जाता है वह जानेंगे। यह है विकास की मानसिकता, यानी कुछ सीखते हुए अपना विकास करना, मन में यही चाह रखना कि मुझे कुछ नया सीखना है और सीखकर अपना ज्ञान बढ़ाना है, ज्ञान विकसित करना है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द। बच्चों, यह है चंद्रबिंदु। इसकी मात्रा इस तरह लगाई जाती है, आधा चांद बनाते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगाते हैं। चंद्रबिंदु की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है। और बच्चों, जब हम इस चंद्रबिंदु लगे हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं, तब जो आवाज निकलती है वह हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे बच्चों, यह है ऊ, ऊ में चंद्रबिंदु, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? ऊंट, ऊंट। ऊ, ऊ में चंद्रबिंदु लगाने पर इसे कैसे उच्चारण करते हैं? ऊंट, ऊंट। सा में चंद्रबिंदु लगी है, इसे कैसे उच्चारण करेंगे? सांप, सांप। यानी ध्वनि हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। और यह है कू आ, कुआ। यह है ऊंट, ऊंट। चांद, चांद। कुआ, कुआ। मूंग, मूंग। आंख, आंख। आंगन, आंगन। बांसुरी, बांसुरी। बूंद, बूंद। मांद, मांद। धुआं। गूंज। कांच, कांच। सांवला, सांवला। अंगूठी, अंगूठी। अब बच्चों, आपने अंक की मात्रा पढ़ी है, अनुस्वार पढ़ा है आपने, तो अनुस्वार में इस तरह बिंदी लगाई जाती है और चंद्रबिंदु इस तरह लगाई जाती है। तो अब इन दोनों के उच्चारण का अंतर समझोगे। यह बच्चों हंस, हंस। हमें बिंदी, हमें अनुस्वार लगा है, इसे कैसे उच्चारण करेंगे? हन। यहाँ हमारे जीभ हमारे तलवे में जाकर सटते हैं और फिर आवाज बाहर आती है। हंस, हंस। और यह हांस, यहाँ नाक से आवाज निकलती है। हंस, हांस। पंच, पांच। पूछ, पूछ। पूछ यानी पूछना। पूछ यानी जानवर की पूछ होती है, है ना? तो हंस, हांस। पंच, पांच। पूछ, पूंछ। और यह है पाव, पाव। आंवला, आंवला। आगे पढ़ेंगे बच्चों। माँ अपने गांव आई, वह तांगे पर बैठकर आई, वह आंवले लाई। सांझ हुई, आंधी आ गई,
लो बूंदे भी पड़ने लगी। कुएं के पास एक ऊंट खड़ा है। तो बच्चों आपने समझा होगा कि चंद्रबिंदु लगे शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं। इसके उच्चारण के समय ध्वनि यानी आवाज हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। माँ, गांव, तांगे, आंवले, सांझ, आंधी, बूंदे, कुएं, ऊंट। इसी तरह आप पाठ में दिए गए सारे शब्दों को दोबारा पढ़ें। धन्यवाद।